राम राम जी। सुनने, आज बना रहे हैं हम आलू के पराठे। तो इसके लिए लिए हैं हमने बॉईल किए हुए आलू, और ये अभी आटे में डाल लेते हैं। और अभी डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा पालक, धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट थोड़ा, और डालेंगे अभी लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर। और अभी आटे को लगा लेते हैं, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, ये आलू से हो जाता है। अभी इसको अच्छी तरह लगा लेते हैं आटे को। ये हमारा आटा लग चुका है, अभी थोड़ा लगा लेते हैं इसका घी। ये हमारा आटा तैयार हो चुका है, अभी बनाने जा रहे हैं पराठे। ये हमने लिया है रोटी से थोड़ा ज्यादा आटा, अभी इसके सूखा आटा लगा के इसको बेल लेते हैं। ये पराठा हमने बेल लिया है और अभी इसको सेकते हैं, इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। ये देखो हमारा पराठा एक साइड से सिक चुका है, और अभी इस पर लगा देते हैं थोड़ा घी। दूसरा पराठा बेल लेते हैं, ये सिकता है। हमारा पराठा सिक के तैयार हो गया है, दोनों साइड से घी लगा के हमने अच्छी तरह इसको सेक लिया है, और हमारा पराठा तैयार है। और अब पराठा बनके तैयार हो चुका है, और दही के साथ खाएं और एंजॉय करें।